पहले का पंखा याद है आपको? अब किसके वहाँ है कमेंट में बताना, जिसके पास ये पंखा है तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटे को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से। अब मैं जा रही हूँ खरी गोबर लेने, मेरा टब टब टबी में ले जा रही, नीचे ले जा रहे ना, नीचे ले जाते हैं तो बाद में जब गेहूँ में डालते हैं ना, गेहूँ के खेतों में जब गेहूँ बोते हैं तो सही रहता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ऊपर से हो जाता है तो बहुत आफत आती है। तो हम अभी से थोड़ा सा एक एक दो दो टब सुबह शाम रख देते हैं नीचे, तो थोड़ा जितना भी हो सके उतना काम हो जाता है एक दो खेतों के लिए। तो इसलिए मैं शाम को अभी गोबर ले जा रही थी, मैं सुबह भी ले गई थी, फिर मैं अभी सुबह का तो नहीं बना पाई, मैं शाम का ब्लॉग बना देती हूँ। धूप भी लगी है और बारिश भी आ रही है, तो मैंने आज महिला मंगल दल की मीटिंग में भी जाना था तो मैं वहीं जा रही थी। अभी मैं सोचा पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ, थोड़ा दिखा दूँ कि मैं गोबर भी ले जा रही हूँ और मीटिंग में दिखाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ फटाफट, बारिश भी आ रही है, मैं भरती हूँ गोबर, उसके बाद जाती हूँ मीटिंग में, आपको दिखाती रहती हूँ। तो ले आई हूँ मैं टब में भर के, ये जाती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ आपको जहाँ मैंने गोबर इकट्ठा किया है, तो वहाँ दिखाती हूँ आपको कितना बड़ा टब है, देखो इसमें भर के लाई हूँ मैं। तो चलो वहीं मिलते हैं आप जहाँ गोबर है मेरा। गोबर मैंने इतना गोबर रख दिया नीचे, इतना गोबर रख दिया मैंने, इतना रख दिया, इतने बगल पर रखते रह रहे हैं, सब ने लगाया है, तो मेरा इतना हुआ है अभी ये। तो ये कैसे पंखा चाव दी हो, मार्च में मार्च तक मैं लिखी थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के पाँच महीने से। ये ताई भी आई है मीटिंग में, बहुत लोग हैं वैसे पर अभी इतने ही आए हैं। सब सबने दीदी मैं ना करो मैं भी करती हूँ पैसे जमा। देखो 50 30 20 50 बैठी है यहाँ पे और क्या हवा चल रहा है। पहले का पंखा याद है आपको? आप किसके वहाँ है कमेंट में बताना, जिसके पास ये पंखा है तो। तो दोस्तों मैं मीटिंग करके भी आ गई, दो काम कर दिए, गोबर रख दिया, मीटिंग करके भी आ गई और अब मैं जा रही हूँ खेत में
हमारे खेत में बहुत ही चूहा ने आतंक मचा रखा है, बल्कि बहुत ही धान काट के ऐसा कर दिया, क्या बताऊँ अब। बारिश भी आ रही है लेकिन देखती हूँ यहीं पर है, तो मैं जा रही हूँ देखने कि कितना किया है, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत बोल दिया कि तुम्हारे खेत में चूहे ने बहुत कर दिया है, करके बहुत काट दिया धान, तो मैं उसी को देखने जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि चूहों ने कितने धान काटे। तो ये है हमारे खेतों का नज़ारा, कितने प्यारे लग रहे ना खेत, हरे भरे, घास है, धान है, भट है। इस बार ना धानों पे बरकत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो बिल्कुल बैठे बैठे जैसे हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, सब चीज़ हो रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया इन धानों को, ये खराब हो गए थे ना, तो इनको भी सर काट दिया जैसे हमारा काटा, धान पते है नहीं ऐसा कहते हैं, हाँ धान पता दिया ऊपर ऊपर से, तो बारिश की बूंदों की जैसे यहाँ घास भीग गया, मेरे कपड़े सारे भीग गए हैं, बूंदे गिरी थी ना घास में बारिश की, अभी भी गिर रही है छोटी छोटी बूंदे, वैसे तो ये है हमारा खेत। अब लोग कह रहे थे इसमें चूहे लगे हैं, तो आए देख लेते हैं, ओ माय गॉड कितना सारा किया है चूहे ने, तभी जाके ये देखिए जी बबरे, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा किया है, ये देखो दिखाती हूँ मैं आपको, माय गॉड बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा चूहे ने, देख। तो मैं इसको उठाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ा देर में, देखो कितना बर्बाद किया है, उठाती हूँ इसको मैं, देखो ये बाप रे, एक मिनट में मैंने कितना निकाल दिया, ये चूहा ने इतना किया है ना, इतना बर्बाद, बाप रे कुछ नहीं लगता है आप शायद में, तो बहुत लगा था, मैं देखने ही नहीं आई यहाँ, तो किसी ने कहा कि तुम्हारे खेत में चूहा लगा है, दो जनों ने बोल दिया, तब जाके आई है, अभी देखा तो देखो कितना सारा तो काट दिया है, कुछ नहीं है खेत में, क्या करें। उठाती हूँ मैं और मिलती हूँ थोड़ा देर में, ये देखो बप्पा हैं कितना फेंको इसको आप, एक मिनट में मैंने इतना सारा निकाल दिया है। तो दोस्तों देखो मैंने कितना निकाल दिया, एक पुली के बराबर, अभी आधा ही निकाला है, और ये चाची घास काटने आई है, और बारिश आ गई बहुत भयंकर वाली, ये देखो भीगते हैं, अब कुछ नहीं लाई हूँ मैं बरसाती लागू अब। तो दोस्तों मैं कितना बटोर के ला रही हूँ, देखो ये पराल तो ला गई मैं अभी से, धान खेत में ही छोड़ दिए हैं मैंने, कहा पराल ले जाती हूँ काम आएगा, तो ये सारी घास, यह बारिश आ गया है, भीग गए हैं हम, देखो बारिश से कितना भीग गया उनका घास, भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं तो आ गई भीगने के लिए, पजल का थे हरे पट्ट फेंक रहा है दी। चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, बहुत भीग गई थी, तो आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।